सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिस एक वाहिद एक ही रिपोर्ट के अंदर यानी एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और बहुत सरल भाषा यानी सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट के अंदर केवल वही खबरें मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बड़ी और अहम जानकारियाँ हैं मेरे दोस्तों। रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम अमरीका ने लगाया है। ये वो वीडियो है जिस अमरीकी चैनल पर एक बड़ा इंटरव्यू अमरीकी सरकार के एक मिनिस्टर ने दिया है, जिसमें साफ तौर से बताया है कि एक ख़तरनाक तरह के हवाना सिंड्रोम की बीमारी फैल रही है अमरीकी खतरनाक और बड़े अमरीकी अधिकारियों में। जो हवाना सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसका इल्ज़ाम लगाया है कि ये रशिया ने फैलाया है, और केवल अमरीकी डिप्लोमेट के अंदर अपने ख़तरनाक जो वेपन है, एडवांस वेपन है, उससे फैलाया है। और इसी वीडियो के अंदर दावा किया है अमरीकी डिप्लोमेट ने कि रशिया ने अपने सोनार वेपन, सोनार हथियार का इस्तेमाल करके हमारे डिप्लोमेट को निशाना बनाया है। अब इस बीमारी में सर दर्द, आँखों से कम दिखाई देना, कानों का बेकार हो जाना, बदन में दर्द रहना, कमज़ोरी और न जाने अलग अलग तरह की कई तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। इन्होंने बताया कि 2016 में सबसे पहले हमारे डिप्लोमेट को निशाना बनाया था रशिया ने। जी हाँ, अमरीकी डिप्लोमेट ने बताया कि क्यूबा में जो हमारे डिप्लोमेट थे उनका जो ऑफिशियल जो कनेक्शन था वो रूस से था, रूस के साथ मिलकर काम करते थे। ऐसे में रूसियों ने अपने हथियार का इस्तेमाल किया और हमारे लोगों को इफ़ेक्ट किया। उसके बाद आज के हालात ऐसे हैं कि हमारे कई सारे सीनियर डेलीगेशंस, सीनियर अधिकारी रूस की उसी बीमारी से जूझ रहे हैं। रशिया ने अपने सोनार वेपन का यानी एक लेज़र जैसे वेपन का हथियार का इस्तेमाल करके हमारे लोगों को निशाना बनाया है। हालांकि दूसरी तरफ इस खबर के तुरंत बाद रूस ने इस इल्ज़ाम को खारिज कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये क्या ऐसा हथियार रशिया बना चुका है? उधर रशिया ने जानकारी दी है कि आर्मेनिया के बैंक्स ने रूसी कार्ड्स को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है अमेरिका के प्रेशर में आकर। उधर यूक्रेन ने जानकारी दी है कि इस साल के शुरुआत में ही यूक्रेन के ऊपर रशिया ने 5 हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी हैं। वहीं यूक्रेन ने बेलग्रोड के इलाके पर कई बड़े हमले किए हैं, वो भी देर रात। उधर फ्रांस ने चाइना से कहा है कि आपसे उम्मीद है कि आप रूस को समझाएंगे और मैसेज देंगे कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म कर दे रशिया। रूस के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ, बड़ी जानकारी ये है कि ईरान ने भी अपने दोस्त रूस को पहले ही चेताया था कि आपके ऊपर हमला इस तरह से हो सकता है। सवाल यह है, जिस ईरान को खुद के ऊपर होने वाले हमले की जानकारी नहीं रहती, वो अपने दोस्त को कैसे बता रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ वक्त पहले आईसिस ने हमला ईरान में ही किया था और ईरान ने कई सारे आईसिस के आतंकवादियों को पकड़ा था, जहाँ से ये जानकारी हो सकता है ईरान को मिली हो। मेरे दोस्तों, अमेरिका और तमाम तालिबान विरोधियों के मुंह पर लात रशिया मारने की तैयारी कर रहा है। रशिया तैयारी कर रहा है कि रूस की टेररिस्ट लिस्ट से तालिबान को बाहर कर दिया जाए। वहीं रूस ने यूक्रेन पर अपने एडवांस फाइटर जेट सुखोई SU-34 से हमले किए। उधर यूक्रेन भी पीछे नहीं है। यूक्रेन अपनी पूरी ताकत से ड्रोन हमला रूस के ठिकानों पर कर रहा है।
यूक्रेन के मारियोपोल पर रूस का कब्जा है, जहां यूक्रेन ने दर्जनों मिसाइलें दागी लेकिन रूस ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया यानी रोक लिया। खबर पोलैंड के बारे में निकल के यह आई है कि पोलैंड की जो पहले वाली सरकार थी, पिछली सरकार थी, उन्होंने पेगासस इजरायली जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करके अपने विरोधी पार्टी की जासूसी की थी। अब पोलैंड की इस गवर्नमेंट ने जांच बिठा दी है। बात करें भारत की तो यहाँ तो अंधा कानून है और अंधे हम हैं और काणा राजा है। वहीं बलोचिस्तान पाकिस्तान के इलाके में एक और आतंकी हमला हुआ जिसमें दो पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई और कई घायल हैं। मुझे तकलीफ़ हो रही है और हंसी भी आ रही है ये सोच कर कि चंद रोज़ पहले जब मैंने यही खबर दी थी कि तालिबान ने TTP को ऑर्डर दिया है कि अब आप पाकिस्तान में उधम काटिए और हमले कीजिए, तो कमेंट करने वाले पाकिस्तानी व्यक्ति ने पता नहीं कौन सा सूखा नशा करके कमेंट कर दिया कि पाकिस्तान है, यहाँ इतना कुछ नहीं हो सकता है, और उसके बाद बैक टू बैक हमले ही हो रहे हैं। पता नहीं वो पाकिस्तानी व्यूअर हमारा कहाँ घुस गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि गुफा में तो नहीं घुसेगा कम से कम। गजब बेइज्जती है। बाइडेन के लेटर का जवाब देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लिखा है खत में कि विश्व शांति के लिए साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है और हमें खुशी है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे और अमेरिका हमारा साथ देगा ताकि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकें। उधर पाकिस्तान ने भारत को ही सीधा धमकी दे दी है कि S-400 जो भारत के पास है वो हमारी मिसाइलों को नहीं रोक पाएगा। ये कहने वाला कोई और नहीं, वही शख्स है जो पाकिस्तान को मजबूर कर रहा है और दनादन परमाणु हथियार बनाने की तरफ मुतासिर कर रहा है और प्रवोक कर रहा है कि और हथियार हमारे पास, खतरनाक हथियार हमारे पास, और लंबी दूरी की मिसाइल हमारे पास, और परमाणु हथियार हमारे पास होने चाहिए। मेरे दोस्तों, 5 चाइनीज जो मारे गए हैं उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो चीन पहुंच गई है। लेकिन मेरे दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर और ख़तरा बढ़ गया है, दोस्ती भारी पड़ रही है चाइना और पाकिस्तान, यानी चाइना का ही ये फैसला है कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हमारे लोग भी हैं, इस वजह से आप वैसे भी उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो, उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हो, उनको बचा नहीं पा रहे हो, लिहाजा अब पाकिस्तान में चीन की फौज तैनात होगी। उधर 7 साल में चौथी बार चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के 30 अलग अलग जगहों के नाम ही बदल डाले हैं। मोदी सरकार के हलक में इस वक्त कुछ फंसा हुआ है और मोदी जी कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मोदी जी इसी शी जिनपिंग के साथ झूला झूले थे। मोदी का शी जिनपिंग के साथ वो झूला झूलना आज तक भारतवासियों को झूला रहा है। उधर मेरे दोस्तों, भारत की तरफ से जवाब दिया गया है। माननीय भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि अगर मैं तुम्हारा नाम बदल दूं तो तुम मेरे नहीं हो जाओगे या तुम्हारी जगह मेरी नहीं हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर गीला जूता BJP को ही पड़ता है, ऊपर थूका हुआ इन्हीं के मुंह आता है। कैसे? अलीगढ़ को हरिगढ़, बनारस को वाराणसी, और न जाने किस किस तरह के खाली नाम बदल कर BJP जो अपना नाम कर रही है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक जो माननीय जयशंकर कह रहे हैं कि नाम बदल कर वो तुम्हारा नहीं हो जाएगा, यही तुम्हारे मुंह पर चिपकना चाहिए भाजपाइयों, कि तुम कितना भी नाम बदल लो, तुम्हारे नाम बदलने से ये जगत तुम्हारे बाप की नहीं हो जाती। चाइना कितना खतरनाक है ये तस्वीर देख लीजिए। चाइना रोबोट के जरिए मिसाइलें बना रहा है, और अगर डेटा के मुताबिक ये मिसाइल रोबोट के जरिए 24 घंटे अगर चीन बनाए तो एक दिन में 1000 मिसाइल बना सकता है चाइना। चाइना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो हथियार रोबोट के जरिए बना रहा है और सबसे तेज़ी से बना रहा है। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने भी चीन की तरफ अपना झुकाव कर लिया है। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने अपना करीबी एक दूत शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन भेजा। चीन बड़ा खुश हुआ, चीन ने कहा कि हम इंडोनेशिया के साथ साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं चाइना ने नेपाल को भी अपने गोद में कर लिया है।
14 अलग अलग नए ट्रेड करने को नेपाल से तैयार हो गया है चाइना, और चाइना ने नेपालियों को फ्री वीज़ा भी ऑफर कर दिया है। हमारे आसपास के, भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, अब वो सब के सब चीन की झोली में जा चुके हैं, और मोदी जी सिर्फ अपनी 56 इंच की छाती मुसलमानों और विपक्षियों को दिखा रहे हैं। वहीं खबर है कि चाइना मिलिट्री ड्रिल करने वाला है म्यांमार के बॉर्डर पर। अफगानिस्तान के बॉर्डर के इलाके में एक माइन फटने की वजह से 9 आम लोगों की मौत हो गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की सरकार का एक व्यक्ति जो है हार गया है चुनाव, जिसके बाद अर्दोगान ने कहा कि 31 जो मार्च जो गुजरी है वो हमारे लिए एंड नहीं है, हमारे लिए वो टर्निंग पॉइंट है। हाँ बड़े मियाँ, टर्निंग पॉइंट है, औकात में रहो और जो बोलो वो करो वरना मत बोलो। बहरहाल ऐसा पता नहीं मन में कैसा कोसा कि जो इनके विपरीत वाली विपक्ष की जो पार्टी थी, जिस पार्टी से वो व्यक्ति जीता है, उसी की पार्टी का एक दूसरा नेता गिरकर मर गया। छज्जे पर खड़े थे, छज्जा टूट गया, मर गया। पता नहीं अर्दोगान भी काली जबान का आदमी है क्या। देखिए ये वीडियो। मेरे दोस्तों, भारत के अंदर अमेरिका और भारत मिलकर सबसे खतरनाक और ज़बरदस्त ड्रिल कर रहे हैं। ऐसे में ज़िंदगी में पहली बार अमेरिका ने भारत की सरजमीन पर अपना सबसे ख़तरनाक हेलीकॉप्टर उतारा है। मेरे दोस्तों, CH-53E सुपर स्टैलियन नाम का ये ख़तरनाक हेलीकॉप्टर भारत की सरजमीन पर उतर चुका है। उधर आर्मेनिया ने साफ एक तरह से नेटो में शामिल होने से इनकार कर दिया है। नेटो को लेकर आर्मेनिया ने कहा है कि हमारा फिलहाल के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम नेटो में शामिल हों। उधर एक बार फिर से अजरबैजान ने सबूत जारी कर दिए हैं। ताज़ा तरीन तस्वीरों में देखा जा सकता है आर्मेनिया भारी भरकम हथियार अजरबैजान के बॉर्डर पर तैनात कर रहा है, और ये तैनाती लगातार 3 दिन से जारी है। अजरबैजान पहले ही बोल चुका है कि आर्मेनिया उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। उधर तानाशाह नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के आदेश पर वहां की मिलिट्री ने एक और ख़तरनाक मिसाइल दागकर टेस्ट किया है। स्वीडन में वो शख्स जिसकी ये तस्वीर है, इस सुअर इंसान को आप जानते हैं जो अक्सर कुरान पाक की तौहीन किया करता था, स्वीडन इसको अपने देश से निकालना चाह रहा था। प्लान पूरा हो चुका था, इससे पहले कि वो इसे निकालते ये नॉर्वे फरार हो गया। अब ये नॉर्वे में अपने अपार्टमेंट में रह रहा था, अचानक से खबर आती है कि अपने अपार्टमेंट में मरा हुआ मिला है। जी हाँ, यही है सबसे बड़ी खबर, इसीलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखा करिए। वासिले जहन्नम हो गया है। खबर ये है रिपोर्ट के मुताबिक कि इसका कत्ल हुआ है, अपने अपार्टमेंट में मरा हुआ मिला है। अटपटी खबर अब आपको थाईलैंड से देता हूँ। थाईलैंड में बंदरों की संख्या बेहद है, और बंदर के झुंड वहाँ आपस में भिड़ गए, सिविल वॉर छिड़ गई भैया बंदरों में। ऐसी लड़ाई हुई कि पुलिस ने सैकड़ों बंदरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।